एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। मौसम को लेकर अभी एक ताजा खबर निकल कर आ रही है कि अगले 3 दिनों के बाद फिर बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल। आज इन जिलों में हल्की बारिश और बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जिनमें 3 दिनों के बाद फिर बदलेगा मौसम और किन किन जिलों में बारिश बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। किन किन जिलों में IMD ने मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है, वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि देश में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत में गुलाबी ठंड की दस्तक शुरू हो गई है। वहीं बिहार, झारखंड सहित केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में भारी बारिश की अभी भी चेतावनी जारी की है। आंधी और तूफान का भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में सहित गोवा, विदर्भ में भी हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तापमान में इजाफा देखा जा सकता है, जबकि गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है। हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा, हल्की ठंडी का अनुभव हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में क्या है मौसम को लेकर ताजा अपडेट। एक तरफ पश्चिमी यूपी में मानसून की विदाई के साथ कोहरे ने प्रदेश में दस्तक दे दी है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी पश्चिमी झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बने कम दबाव के क्षेत्र में ऊपर तक बने एक चक्रवात का उत्तर प्रदेश पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं बीते कुछ समय पहले आपको बता दें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई। इस अवधि में वहां बारिश भी हुई, बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका अब फिर जताई गई है। वहीं पश्चिमी यूपी में मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान जताया गया है। चलिए जान लेते हैं कि मौसम विभाग ने आज किन जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। यूपी मौसम विभाग की माने तो आज बिहार से सटे हुए जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि पूर्वी यूपी में भी गरज चमक के साथ हल्की कहीं मध्यम बारिश होगी। बाकी सभी जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि पूर्वांचल में एक या दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। बौछारें पड़ने के साथ ही हवाओं की रफ्तार भी अच्छी खासी होगी। इसी के साथ हवाओं की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वीडियो के आखिर में चलिए जान लेते हैं कि आज किन किन जिलों का कैसा रहेगा तापमान। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चौक, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 या फिर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 या फिर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, फुर्सतगंज, गाजीपुर और फतेहगढ़ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 या फिर 32 डिग्री सेल्सियस यहां भी रहने का अनुमान है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।